क्या आप जानते हैं कि विकास की तरफ अग्रसर होते भारत के लिए प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को जन्म देने वाले कूड़े कचरे को निपटाना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हर रोज हमारे देश में हजारों टन कई प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है, फिर चाहे ये प्लास्टिक कचरा हो, पशु अपशिष्ट हो, फसल अवशेष हो, घरेलू कचरा हो या फिर बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में हो। कचरे का सही ढंग से प्रबंधन ही हमें एक प्रदूषण मुक्त वातावरण दे सकता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब लोगों को कचरा प्रबंधन की सही जानकारी हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने हर तरह के कूड़े कचरे के प्रबंधन की पहल की है। देश के हर नागरिक तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए कैसे हम कचरे को अवसर में बदल सकते हैं। घरेलू कचरे का निपटान आसान है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन काफी जटिल है, वरना ये प्रदूषण के साथ साथ बड़े पैमाने पर बीमारियां और महामारी का कारण बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? अगर नहीं तो ये देखिए। दरअसल अस्पतालों से निकलने वाला कचरा, चाहे वो सर्जरी से निकले, दवाइयों से या फिर इलाज के दौरान निकलने वाली चीजों से, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट होता है। इस कचरे में कांच व प्लास्टिक की ग्लूकोज बोतलें, इंजेक्शन और सिरिंज, दवाओं की खाली बोतलें व उपयोग किए गए आईवी सेट, दस्ताने और अन्य सामग्री होती हैं। इसके अलावा इनमें विभिन्न रिपोर्टें, रसीदें व अस्पताल की पर्चियां आदि शामिल हैं। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बायोमेडिकल कचरे के और भी स्रोत हैं। नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, पैरा चिकित्सक सेवाएं, ब्लड बैंक, मुर्दा घर, शव परीक्षण केंद्र, पशु चिकित्सा कॉलेज, पशु रिसर्च सेंटर, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादन केंद्र और विभिन्न बायोमेडिकल शैक्षिक संस्थान भी बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल कचरा पैदा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कचरे को चार वर्गों में बांटा है। बायोमेडिकल वेस्ट, औषधीय पदार्थ, इसमें बची खुची और पुरानी व खराब दवाएं आती हैं। रोगयुक्त पदार्थ, इसमें रोगी का मलमूत्र, उल्टी, पस व खून की पट्टियां और मानव अंग आदि आते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ, इसमें विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कि रेडियम, एक्सरे तथा कोबाल्ट आदि आते हैं। रासायनिक पदार्थ, इसमें बैटरी व लैब में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रासायनिक पदार्थ आते हैं। इन सब के अलावा अस्पतालों से निकलने वाले कचरे में कुछ पदार्थ जैसे दवाइयों के रैपर, कागज, रिपोर्ट, सुइयां, ब्लड बैग, यूरिन बैग, पीपीई किट, मास्क, दस्ताने आदि भी बायोमेडिकल कचरे में ही शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो अस्पताल के कचरों में से 85% कचरा खतरनाक नहीं होता, लेकिन बाकी बचा 15% जानवरों और इंसानों को खतरनाक बीमारियां दे सकता है। यह कचरा भले ही अस्पतालों के लिए मामूली कचरा हो, लेकिन भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक ये मौत का सामान भी साबित हो सकता है। जी हाँ, इस तरह के कचरे के संपर्क में आने से लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें हेपेटाइटिस, कोविड-19 इत्यादि शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हमारे देश में रोजाना लगभग 146 टन बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न होता है। पिछले सिर्फ एक साल में 45,000 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकला। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और समस्या भी उतनी ही गंभीर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट कितना खतरनाक है और इसका सही प्रबंधन स्वस्थ समाज के लिए कितना जरूरी है। इसके लिए हम थोड़ी सी सावधानियां अपनाकर बायोमेडिकल कचरे से खुद को और अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। जैसे बायोमेडिकल कचरे से कैसे बचें? बायोमेडिकल कचरे को हमेशा बंद थैलियों में रखना चाहिए। मिश्रित कचरे को अलग अलग करके निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका निस्तारण करना चाहिए। बायोमेडिकल और घरेलू कचरे को नहीं मिलाना चाहिए, इससे सफाई कर्मियों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नगर पालिकाओं में कचरा नियमित रूप से उठाने की व्यवस्था हो।
लैंडफिल साइट पर बायोमेडिकल कचरा न डालें। यदि लैंडफिल पर कचरा डालना भी हो तो इसे तत्काल 10 मिलीमीटर की मिट्टी की परत से ढकना जरूरी है। आम जनता के साथ साथ अस्पतालों को भी बायोमेडिकल कचरा निपटान के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार के नियमों के मुताबिक बायोमेडिकल कचरे को 3 तरह के बैगों में कलेक्ट किया जाना है। इनमें येलो बैग जलाने वाला कचरा, रेड बैग रिसाइकल वाला कचरा और व्हाइट बैग कांच से जुड़ा कचरा शामिल है। सरकार की तरफ से बायोमेडिकल वेस्ट की हैंडलिंग, ट्रीटमेंट और डिस्पोजिंग का काम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण इस प्रकार किया जा सकता है। पीला, मानव के शारीरिक अंग, जानवरों के शारीरिक अंग, पीले रंग की गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की थैलियां, भस्मीकरण या प्लाज्मा पायरोलिसिस या गहरा दफन करके, भस्मीकरण या प्लाज्मा पायरोलिसिस या गहरा दफन करके, उपरोक्त सुविधाओं के अभाव में ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग, अपशिष्ट को ऊर्जा निर्माण के लिए भेजा जाए, पुरानी और बची हुई दवाएं, पीला रंग, गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग या कंटेनर, एक्सपायर्ड दवाएं वापस दवा निर्माताओं के पास भेजी जाएं, भस्मीकरण द्वारा दवाओं का निपटान किया जाए, रासायनिक कचरा, पीला रंग, गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग या कंटेनर, भस्मीकरण या प्लाज्मा द्वारा निपटान, रासायनिक तरल कचरा, रिसाव रहित अलग संग्रह प्रणाली, अन्य अपशिष्ट जल में मिलने से पहले तरल रसायन, अपशिष्ट का पूर्व उपचार, रक्त से दूषित गद्दे और बिस्तर, गैर क्लोरीन युक्त पीला प्लास्टिक बैग या पैकिंग के लिए उपयुक्त सामग्री, गैर क्लोरीन युक्त रासायनिक कीटाणुशोधन, उसके बाद भस्मीकरण या प्लाज्मा। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य नैदानिक प्रयोगशाला अपशिष्ट, ऑटोक्लेव सुरक्षित प्लास्टिक बैग या कंटेनर, पायरोलिसिस द्वारा ऊर्जा निर्माण में उपयोग, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार साइट पर ही गैर क्लोरीन युक्त रसायनों द्वारा भस्मीकरण, लाल दूषित अपशिष्ट पुनः नवीनीकरण योग्य, लाल रंग का गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग या कंटेनर, ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग के बाद अपशिष्ट का ऊर्जा निर्माण, ईंधन या सड़क निर्माण के तौर पर इस्तेमाल, भराव के लिए प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल निषेध होना चाहिए, सफेद पारदर्शी धातु से बना नुकीला कचरा, पंचर रहित और रिसाव रहित कंटेनर, ऑटोक्लेविंग, खुश्क गर्म स्टेरिलाइजेशन या फिर सीमेंट और लोहा कारखानों में अंतिम निपटान, नीला कांच के बने पदार्थ, नीले रंग की कोटिंग वाला गत्ते का डब्बा, डिटर्जेंट और सोडियम हाइपोक्लोराइट से धोने के बाद कांच का कीटाणुशोधन या ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या हाइड्रोक्लेविंग के माध्यम से रिसाइक्लिंग। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग शहरों में 200 से 250 बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी बनाई गई हैं, जहां उच्च तापमान पर इस कचरे को जला दिया जाता है। ये फैसिलिटी प्लांट 600 से 700 शहरों में बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण कर रहे हैं। जिन शहरों में फिलहाल ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां एक फैसिलिटी प्लांट बनाने का काम बड़े स्तर पर जारी है। इसके अलावा स्वस्थ भारत मिशन के तहत सरकार बड़े स्तर पर कचरा प्रबंधन की जानकारी के लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ इस अभियान को सफल बनाने में हम सबका सहयोग भी जरूरी है, ताकि बायोमेडिकल कचरे के प्रभाव से हम अपने जल, थल और आने वाले कल को सुरक्षित रख पाएं।